सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। वो जो आंगन का सीन था ना बॉस, वो जो एक लास्ट विजुअल देखा जहाँ सोफा नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा घर खाली है, वो बड़ा हिट किया। बट मैं नहीं रोया, बाकी सब अक्षय मोहित रोहित सब रो रहे थे एंड एवरीवन वाज जस्ट क्राइंग एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस ऑन सेट। सब अपने आंसू सुमड़ी में पोंछ रहे थे। बिग बॉस इज इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक मैं बहुत अच्छे से फिट बैठता हूँ, ऑल्सो बिकॉज मैं बहुत ही एविड वॉचर हूँ, सब सीजन पहले है मैंने। सो अगर नसीब में होगा तो मिलेंगे बिग बॉस में। Cover Dillon, who was last seen in Star Plus show Pandya Stores as Shiva Pandya, had a conversation with India Forums on his last day shooting. So here's what he has said. Pandya Stores is soon taking a leap and you won't be the part of it. Your views on this? क्या ही कहना चाहूंगा यार, तब अचानक झटका लगा। मैं बोला यार ये 800 एपिसोड एक हाथ में पूरे हो रहे हैं, दूसरे हाथ में ऐसी खबर। सो थोड़ा बुरा तो लगा, पर फिर ऐसा लगा यार कि हम एज एक्टर्स बुरा तो मान लेते हैं, ऑफ कोर्स इतना टाइम दिया है शो को, इतने एफर्ट्स दिए हैं, मैंने तो छुट्टियां भी नहीं ली हैं, मैं कोई हॉलीडेज के लिए नहीं गया हूँ ढाई साल में। आई हैव बीन डेडिकेटेड टू माय वर्क लाइक नो वन एल्स। इवन जब कंधा टूटा था, फ्रैक्चर हुआ था, मैं तभी भी रोज शूट कर रहा था। सो मैंने पंड्या स्टोर को मेरा सब कुछ दिया है एंड आई एम डैम श्योर कि इसके रिवॉर्ड्स भी मुझे अपने सही वक्त पे मिलेंगे, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर सफर और हर कहानी का एक अंत होता है एंड आई थिंक उस अंत को एक्सेप्ट करना इज व्हाट एज ह्यूमंस वी हैव टू डू एंड एन एक्टर्स लाइफ जैसे एक्शन और कट होता है ना, एक फाइनल कट होता है और एक फाइनल बैकअप होता है, उसके लिए हमेशा एक एक्टर को प्रिपेयर होना चाहिए। सो अटैच और डिटैच वाली जो जिंदगी है वो मैं जीता आया हूँ, पर ये वाली जर्नी थोड़ी लंबी थी, ढाई साल और 800 एपिसोड मेरा लॉन्गेस्ट है मेरे करियर का। आई थिंक हम सबके करियर का लॉन्गेस्ट है जितने लोग इस शो में थे। सो आई एम ग्लैड कि एक एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद इस शो से जुदा हो रहा हूँ, विजुअली जुदा हो रहा हूँ, दिल से कभी जुदा नहीं हो पाऊंगा। और ठीक है, आई थिंक जर्नी है, आगे बढ़ना है एंड आई थिंक ये सही टाइम है। आई थिंक मेकर्स को भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि एक फ्रेशनेस की जरूरत है एक शो को, और जितना दिखा सकते थे दिखा दिया, अब शायद ज्यादा आगे कुछ खेलने के लिए नहीं है। सो इट्स ओके, आई विश द टीम ऑल द बेस्ट। और क्या, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू गॉट द न्यूज ऑफ योर कैरेक्टर इज गोइंग टू एंड इन द शो? ओह रियली, मैं नहीं हूं, ठीक है, अच्छा सब नहीं है, हाँ फिर ठीक है, यू नो ये रिएक्शन था कि अच्छा मैं नहीं हूं, मैं क्यों नहीं हूं, अच्छा सब नहीं है, अच्छा अच्छा नहीं नहीं फिर ठीक है। तो मतलब ऐसा था कि यार ओके कलेक्टिवली एवरीवन इज नॉट देयर, मेरे साथ अकेले नहीं हो रहा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा दुख आसान हो गया बांटना, क्योंकि सब जा रहे हैं तो और ये सब अग्री करेंगे। बट आई थिंक ये स्पेस जो मेरा है ना, ये मेकअप रूम, इसकी मुझे ढाई साल से बहुत आदत हो गई है, बहुत प्यार से बनाया मैंने ये स्पेस एंड आई थिंक इस मेकअप रूम को, इस शो को, इस शो के शो से जुड़े एक एक सदस्य को, शिवा पंड्या को और इस सेट को मैं बहुत मिस करूंगा। एंड आज हमारा सेकंड लास्ट डे है सेट पे, चार पांच दिन का काम बाकी है पर वो काम सेट पे नहीं होगा। और पंड्या निवास तो टूट चुका है, आंगन अभी जाके मैंने देखा था तो सब टूट चुका है एंड बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि तीन दिन पहले वहाँ पे आखिरी शॉट दिया हमने जब सब घर छोड़ के निकलते हैं। एंड आई जस्ट विश कि लास्ट डे के पहले दुकान में कोई सीन होता है यार भाइयों का, ये होना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं हुआ। आई होप कि कोई छोटा सा सीन आ जाए। बट वो जो आंगन का सीन था ना बॉस, वो जो एक लास्ट विजुअल देखा जहाँ सोफा नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा घर खाली है, वो बड़ा हिट किया। बट मैं नहीं रोया, बाकी सब अक्षय मोहित रोहित सब रो रहे थे। एलिस की तबीयत उस दिन खराब थी, वो शूट पे नहीं आ पाई, तो हमने उसे बहुत मिस किया उस सीक्वेंस में, मैंने बहुत मिस किया एंड एवरी वन वॉज जस्ट क्राइंग एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस ऑन सेट। सब अपने आंसू सुमड़ी में पोंछ रहे थे एंड मैंने बस वो दिन सब कुछ अब्सॉर्ब किया एंड उस दिन मैंने सिंक इन किया एंड आई सेड ओके इट्स ओवर। तो मैं पार्शली डिटैच हो चुका हूँ और थोड़ा बहुत कल जब आखिरी दिन होगा सेट पे, जब ये रूम मुझे खाली करना पड़ेगा, तो आज आधा खाली इसे कर दूंगा मैं, कल पूरा खाली कर दूंगा एंड तब बुरा लगेगा शायद थोड़ा समेटते वक्त, बट इट्स ओके।
आगे बढ़ेंगे. मेकअप रूम इज एक्टर्स सेकंड होम, सो एनी स्पेसिफिक स्पॉट इन योर रूम यू विल मिस द मोस्ट? नहीं, फेवरेट कोना है सच कुछ नहीं है. मुझे लाइटों का बहुत शौक है पर्सनली, तो मैंने अलग अलग लाइटिंग कर रखी है रूम में. कोना तो ये मेरा बेड कॉर्नर है, और वो मेरी स्क्रिप्ट रीडिंग चेयर है जो अभी फिलहाल गंदी पड़ी हुई है. दिखाना चाहोगे तो नहीं. सो आई थिंक मेरा एक कम्फर्ट जोन है. एक आई थिंक मेकअप रूम एक दूसरा घर ही होता है लिटरली एक एक्टर की जिंदगी में. एंड मैं बहुत पर्टिकुलर होता हूँ अपने रूम्स के बारे में. सो आई एम गोना मिस दिस मेकअप रूम. बहुत प्यार से बनाया था मैंने. मेरा पर्सनल फ्रिज पड़ा है, ये भी मैंने खरीद के रखा हुआ है यहाँ पे, कि यू नो सामान रखना होता है या वट एवर, खाने पीने का सामान, दुनिया भर की चीज़ें पड़ी होती है मेरे रूम में. सो अब देखना पड़ेगा अब कौन से सेट सेट पर जाके ऐसा वापस थोपूंगा मैं. ये पैक तो करके रख दूंगा, बट होपफुली जल्दी अनपैक करके दूसरे सेट पर भी ले जाऊँगा. उम्मीद है कि आगे आगे जो भी जर्नी हो अच्छी हो, यहाँ से एक नॉच ऊपर हो. एंड द एम इज टू फ्लाई हाई एंड गो अपवर्ड्स एंड यू नो एक्सप्लोर डिफरेंट टेरिटरीज एंड डू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. तो देखते हैं, अभी लोग तो बहुत कुछ करने बोल रहे हैं मुझे, क्या पहले वर्कआउट, जो भी पहले वर्कआउट होगा वो कर लूंगा. मैं ज्यादा गैप नहीं लेना चाहता. यू गॉट योर पार्टनर एलिस ड्यूरिंग शूटिंग फॉर पांड्या स्टोर्स, सो हाउ स्पेशल विल बी द शो फॉर यू? यार ऑफ कोर्स बहुत स्पेशल है. एंड ये कोई भी चीज प्लान नहीं थी. मैं बहुत क्लियर था मैं किसी एक्टर को डेट नहीं करूंगा, वो बहुत क्लियर थी मैं किसी एक्टर को डेट नहीं करूंगी. एंड बहुत ही अलग इंसान है हम, बहुत मतलब नॉर्थ एंड साउथ है हम इन रियल लाइफ भी. तो वो कब कहाँ कैसे क्लिक हो गए कुछ समझ नहीं आया. बट जिन लोगों ने बोला और जिन लोगों ने स्टार्टिंग में पीछे पीछे खुसफुस की कि अरे इंडस्ट्री का इंडस्ट्री वाला प्यार है, शो वाला प्यार है, अरे ये तो आउटडोर वाला प्यार है, यू नो, तो उन लोगों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि आज 2 साल से ज्यादा हो गए हमको साथ में. एंड आई होप टचवुड नजर ना लगे, ये रिश्ता भी और प्योर हो और नरिश हो. एंड होपफुली यू नो वी लास्ट फॉर गुड टुगेदर. आई विल मिस वर्किंग विद एलिस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम दोनों का भी एक कम्फर्ट जोन था, कि हम दोनों इररिस्पेक्टिव कोई है कि नहीं, हम एक दूसरे के लिए इस 2.5 साल में हर जर्नी में हर डिफिकल्टी में एक साथ खड़े रहे हैं. एंड एज को एक्टर्स, एज यू नो पीपल ऑन स्क्रीन शेयरिंग द सेम स्क्रीन स्पेस एज अ कपल, आई थिंक एक वो फ्लूइड वाली केमिस्ट्री है हम दोनों की, अनसेड है वो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एक दूसरे के साथ. सो आई थिंक एक वो कम्फर्ट लेवल छूट जाएगा और एक दूसरे के साथ काम करना मिस करेंगे. एंड आई होप कि हमें साथ में कोई अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आए एंड कुछ करें. शिवा पांड्या गेव यू अ डिफरेंट पर्सनालिटी, सो हाउ मच यू गोना मिस प्लेइंग दिस कैरेक्टर? यार मैं शिवा पांड्या को ही अपने साथ ले जाऊंगा वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज ये मैं स्टार्ट से कहता आया हूँ कि शिवा पांड्या इक्वल्स टू कमर ढिलन, बिकॉज आधा शिवा पांड्या मैंने कमर ढिलन की तरह जिया है. थोड़ा एक्स्ट्रा गुस्सा और अग्रेशन जो शिवा का था वो मैंने पैदा किया है, पर उसके अलावा जो बेसिक्स है ना शिवा के, कि बाहर से कड़क है अंदर से उतना ही नरम है, वो मैं ऑलरेडी हूँ. और एक एक एक्सेसरी, जैसे ये हाथ में जो पहना है, ये त्रिशूल जो हो गया, ये सब मैंने पर्सनली खरीदे हैं और ये सब मैं अपने साथ लेके जाऊँगा. इस शो में मैंने पर्सनली बहुत इन्वेस्ट किया है, मेरी एक्टिंग में, मेरे एक्सेसरीज में, मेरे कपड़ों में, मेरे इनपुट्स, डायलॉग्स, एवरीथिंग. एंड टचवुड द टीम हैज बीन काइंड एनफ टू गिव मी दैट लिबर्टी. तो पूरा का पूरा शिवा ही अपने साथ ले जाऊँगा, और थोड़ा वक्त लगेगा शिवा को अंडू करने में डेफिनेटली, बिकॉज एक पैटर्न बैठ गया है बॉडी में. सबसे पहले जब शो खत्म होगा एक हेयर कट, और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने शुरू कर दी है, तो 1 महीने में मैं कुछ अलग देखूंगा आपको. कोशिश करूंगा कि अगले शो में एक चमेलियन की तरह जाऊं और एक अलग लुक रखूं. सो या दैट्स अ गोल, एंड इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. थैंक यू टू द ऑडियंस इतना प्यार देने के लिए, ऐसे अपनाने के लिए. ये प्यार रोज अब तक सिंक इन होता आ रहा है, अभी भी पूरी तरह सिंक इन हुआ नहीं है जिस तरह का प्यार आप सबने दिया है. एंड आई होप इसके बाद जो जो चीज़ें मुझे करनी है वो सारी चीज़ें अचीव करूं और इस जर्नी को और बेहतरीन बनाऊं. सो थैंक यू. आपके टीवी स्क्रीन से शिवा पांड्या जा रहा है, पर कंवर ढिलन काम करता रहेगा. एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फैंस हैं, जो भी पांड्या स्टोर के फैंस हैं, शिवा पांड्या के फैंस हैं, वो सब कंवर ढिलन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मेरी जर्नी और आगे है. और उम्मीद है आप सबका सपोर्ट मिलता रहे. थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड इट्स गोना बी अ टफ गुडबाय.
We all know that you love reality shows a lot. So if Big Boss or Nach Baliye would offer to you, will you do it? Nach Baliye ka mujhe pata nahi. Nach Baliye ki aisi na koi khas baat hui hai aur na hi us bare mein maine socha hai. Par Big Boss is interesting and I think main bahut acche se fit baithta hu. Also because main bahut hi avid watcher hu. Sab season pehle hai maine. And see here and there talks are on kuch thodi bahut baatein hui hain but abhi main kuch concrete bol nahi sakta iske bare mein so let's see if I end up doing Big Boss or not I'll be happy if it works out but agar Big Boss ke pehle koi bahut hi interesting cheez work out hoti hai jaise ek aad webs ke liye bhi baat chalu hai ek aad tv shows ke liye bhi baat chalu hai So I'm not going to wait for too long. जो पहले आएगा वो चीज़ मैं ओके करूँगा और आगे बढ़ूँगा सो अगर नसीब में होगा तो मिलेंगे बिग बॉस में अगर नहीं होगा तो मिलेंगे कोई नए शो में एक नए किरदार में सो आई एम कीपिंग एवरीथिंग ओपन एंड जो पहले वर्कआउट हो जाए वो आपको खबर मिल जाएगी We hope that you guys enjoyed this video. If you did, do comment and tell us. Aruna Purve with camera person Babaji, India Forums.